नमस्कार, साथहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कपिल सिब्बल की पार्टी की नीतियों पर की गई आलोचना के चलते कांग्रेस के अंदर मचे घमासान के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी एक बड़ा बयान दिया है। चिदम्बरम ने बुधवार को कहा कि बिहार चुनाव और उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि कांग्रेस का जमीन पर कोई संगठनात्मक मौजूदगी नहीं रह गई है या फिर बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। चिदम्बरम ने कहा कि बिहार के नतीजे दिखाते हैं कि CPIML और AIMIM जैसी छोटी पार्टियां भी ग्रास रूट लेवल पर खुद को मजबूत कर अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। पी चिदम्बरम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन वोट चाहे जितने भी हासिल कर ले, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने के लिए हमें जमीन पर जाकर खुद को मजबूत करना होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी संगठन की शक्ति से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ लिया था। कांग्रेस को ऐसी 25 सीटें दे दी गई थीं जहां से बीजेपी और उसके सहयोगी 20 सालों से जीत रहे हैं। कांग्रेस को उन सीटों को लेने से इनकार कर देना चाहिए था। पार्टी को बस 45 उम्मीदवारों को उतारना चाहिए था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में रार तेज होती जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं और शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, वह दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे नेता जो गांधी परिवार के करीबी हैं, मुद्दों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने रखने के लिए स्वतंत्र रहे हैं। एक तरफ लव जिहाद को रोकने के लिए एमपी सरकार प्रदेश में कानून लाने जा रही है, वहीं इसे लेकर सियासत भी अब चरम पर पहुंच चुकी है। लव जिहाद कानून पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान और ISI एजेंट सीता को रूबिया में बदलने की साजिश रच रहे हैं। सीता को कब तक मरने दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि मुझे नरगिस और सुनील दत्त की तरह सच्चा प्यार दिखाओ। बताइए, कितनी नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में गौ कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है, जो राज्य में गौ संरक्षण की दिशा में काम करेगी। चौहान ने कहा कि इस कैबिनेट के तहत 7 विभाग शामिल किए जाएंगे। उन विभागों के नाम हैं पशुपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, गृह, राजस्व और किसान कल्याण विभाग। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस गुपकार गठबंधन में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के आंतरिक मामलों में ना तो कोई विदेशी दखलंदाजी स्वीकार की है और ना ही करेगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और पूछा कि जिस PDP की वे आलोचना कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर उसने जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों बनाई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बयान ने फिर से मराठी भाषी बेलगाम, करवार और निपानी इलाकों को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों से चल रहे विवाद को उभार दिया है। अजित पवार ने शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करना उनका स्वप्न था। उन्होंने इसके साथ ही जोर देकर कहा कि हमें बालासाहेब के सपने को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के बयान की निंदा करता हूं। पूरी दुनिया को पता है कि महाजन समिति की रिपोर्ट फाइनल है, अब इस पर आग भड़काना गलत है। इसके अलावा कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने भी महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विवाद लंबे समय से चल रहा है और इस समय से उठाकर कर्नाटक के लोगों को भड़काया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगी। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। शिक्षा मित्रों का कहना है कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% रखा गया था, लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 65 से 60% कर दिया गया। ये गैर कानूनी कदम है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कई नए कदम उठाते हुए शादियों में मेहमानों की संख्या घटाने का जो प्रस्ताव भेजा था, उसे उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वीकार कर लिया है। यानी कि अब नए नियम के मुताबिक दिल्ली में किसी भी शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अभी तक इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या 200 थी। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्यौहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में 90% ICU बेड भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से 250 ICU बेड की पहली खेप जल्द मिलेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली को केंद्र से 750 ICU बेड मिलेंगे। फिलहाल दिल्ली में 26,000 कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना के 16,000 बेड हैं। रूसी संसद के निचले सदन डूमा ने एक विधेयक को समर्थन दे दिया है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके परिवार पर उनके राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद भी किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ये विधेयक उन संवैधानिक संशोधनों का हिस्सा है जिन्हें जुलाई में एक जनमत संग्रह में सहमति दी गई थी। पुतिन के समर्थक रूस के दोनों सदनों में बहुमत रखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शीर्ष चुनाव अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है, जिसने मतदान में धोखेबाजी के राष्ट्रपति के दावों पर सवाल उठाए थे। ट्रंप ने कहा कि उनको मतदान के बारे में बहुत ज़्यादा गलत टिप्पणी करने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया। बता दें, 3 नवंबर को हुए चुनाव को ट्रंप बहुत बड़ी धांधली बता रहे हैं, तो चुनाव अधिकारी इस चुनाव को अमेरिकी इतिहास का सबसे सुरक्षित चुनाव बता रहे हैं। हैदराबाद आधारित दवा कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी संभावित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इस फेज में पूरे देश भर से कुल 26,000 वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। भारत बायोटेक इस ट्रायल को ICMR के साथ साझेदारी में करेगा। बताया गया है कि कोवैक्सीन का ट्रायल भारत में किसी भी कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल होगा। भारत में एक दिन में 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 474 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 89,12,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,30,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,46,000 के पार हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।